तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की, उसमें एक पार्ट हम लोगों ने किया था। आज हम लोग बात करेंगे इस फॉर्मूले की जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का सेकंड पार्ट है, जिसमें साइन सी साइन डी ऐड होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, एक बहुत ही ईजी सवाल हम लोगों ने लिया है जो एनसीईआरटी का भी है, और इसको हम लोग करेंगे, फिर धीरे धीरे एक दो सवाल और ऊपर के लगाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसमें लिखा है कॉस 9x माइनस कॉस 5x साइन 17x माइनस साइन 3x और वैल्यू इधर लिखी, इसको प्रूव करना है। सिंपली ये दोनों कॉस या साइन के फॉर्मेट में है और ये एक में आया, यानी प्रोडक्ट वाले में चेंज करके आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला भी आपके लिए लिखा हुआ है यहाँ, तो इसको अप्लाई कर दीजिए। माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, फिर क्या है साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यू न्यूमिनेटर वाला पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं साइन सी माइनस साइन डी, ये फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, माइनस ये वैल्यू आ गई 14 अपॉन 2 जैसे साइन 7x, है ना साक्षी। ये वैल्यू कितनी आ गई टाइन 2x, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 17 में से 3 गया 14 का हाफ साइन 7x, और यहाँ वैल्यू क्या आ गई कॉस 10x। क्या क्या कटा 7x वाला कट गया वैल्यू, और वैल्यू हो गई माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। बहुत ही बेसिक फॉर्मूला लगाने का तरीका सीखा बस इसमें हम लोगों ने। ठीक है, तो उसको भी कॉपी कर लीजिए, अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे सामने है, वहाँ 2 था या 3 है, लेकिन मतलब वही है, बड़े आराम से निकल जाएगा ये भी। देखिए तो लगाते हैं हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक। अब पेयर में अगर हम पहले दोनों को लेते हैं ना, तो आपको क्या दिखता है कि पहला हो जाएगा, अगर प्लस करेंगे तो 4 + 3 = 7/2 करके, और कॉस वाला क्या आ जाएगा 4 में से 3 गया 2x, तो कॉस 2x मिल जाएगा, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी लगा दिया ये, तो क्या वैल्यू आई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 सी कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस 2x, ये तो ऐसा ही है, अपॉन साइन सी प्लस साइन डी ऊपर वाला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 प्लस साइन 2x। यहाँ पे देखिए अगर ये लगाते हैं आप ना, तो साइन 2x आता दिख नहीं रहा है, तो हमें इसका और इसका पेयर ले लेना चाहिए, 4x से 2x का ये 3 मिल जाएगा, यहाँ काम बन जाएगा। इन दोनों का लिया तो 2 आता नहीं दिख रहा है, बात समझ पा रहे हैं। तो हम लोग इसके साथ इसका जोड़ा बना देंगे, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपको समझ रहे हैं ना। अब ये सिचुएशन देखिए आ गई ना, इस सिचुएशन में ये हो जाएगा 7x/2, ये हो जाएगा x/2, कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, कैंसिलेशन में मुश्किल आ जाएगी अभी, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम लोग इस वाले का पेयर बनाएंगे। अब लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, और साथ में आ गया ये प्लस साइन 3x, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए ये भी प्रॉपर नहीं लगा है,
क्योंकि cos 3x नहीं मिल रहा है, हमें लाना क्या था cot 3x। तो यहाँ पर भी पेयर हमें किसका लेना चाहिए था, cos और cos का। ऐसे लेंगे तो cos 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा sin 3x, अटक जाएगी बात। मेरी बात एक्सप्लेन हो पा रही है? तो ऐसे जब ले रहे हो आप, तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या लाना है, उस हिसाब से लेना होगा, तभी बात बनेगी। वरना फॉर्मूला तो अप्लाई हो जाएगा लेकिन जो रिजल्ट लेना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। तो यहाँ वैल्यू लगा देंगे किसकी, इसका पेयर बनाओ और इसका पेयर बनाओ, तो cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2। अब बात समझे, फिर है cos c minus d upon 2 और प्लस cos 3x। ये अब चलते हैं आगे, इसमें से ही वैल्यू आ जाएगी 2 cos 3x प्लस cos x इंटू प्लस cos 3x अपॉन, यहाँ हो गई 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x, ऊपर से कॉमन ले लिया cos 3x, अंदर बचा 2 cos x प्लस 1, नीचे आया ले लिया sin 3x कॉमन, तो अंदर बचा 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1, 2 cos x 1 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितनी बन गई cot 3x। ये हो गया RHS प्रूव हो गया, ठीक है। तो जब भी पेयर आप बना रहे हो थोड़ा सावधानी से बनाइए, देखते हुए कि रिजल्ट क्या लाना है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। अभी अगला सवाल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है ये, और आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ये इफ साइन थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू रूट थ्री कॉस फाइव माइनस कॉस थीटा, प्रूव दैट साइन थ्री थीटा प्लस साइन फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, आपको दिख ही रहा है ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला हमने क्लीन नहीं किया है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये लग गया। यहाँ पर आ गए तो रूट 3 इंटू 2 इंटू कॉस सी माइनस कॉस डी, लास्ट वाला फॉर्मूला, माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ठीक है। अब क्योंकि ये फॉर्मेट थीटा माइनस फाइव वाला है, इसलिए इस माइनस को हमने इसके अंदर कर दिया। हमको ये मालूम है कि कहीं पर माइनस साइन थीटा लिखा हो तो इसको हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस वाले माइनस साइन को ध्यान दीजिएगा, हमने इसके साथ अंदर ले लिया, तो ये पलट जाएगा, थीटा माइनस फाइव अपॉन टू हो जाएगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट में ये उसी में आ जाएगा वो एंगल में, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको वो स्टेप लिखा नहीं, इसको इधर ले आए LHS की तरफ पूरी चीज को, और कॉमन ले लिया 2 साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2, क्योंकि ये भी इसमें मिल रहा है और ये देखो इसमें ये भी मिल रहा है, ठीक है बेटा। अब यहां क्या मिला, cos थीटा माइनस 5 अपॉन 2, और इससे क्या चीज मिली, माइनस रूट 3। देखिए ये माइनस चला गया था, जब इसको लाए तो माइनस आया ये, और प्लस वाला बाहर जा चुका है, तो साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2, क्योंकि माइनस एडजस्ट कर चुके हैं, इजिकल टू जीरो, यहाँ तो ओके। आगे चले, अब ये इक्वेशन सी बन गई, तो इसमें या तो ये टू से मतलब नहीं, या तो ये जीरो होगा, ये पूरी चीज़ जीरो होगी, तभी तो जीरो आएगा। तो एक बार हमने ले लिया कि साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 मस्ट बी जीरो और दिस हैज टू बी जीरो। आगे चलते हैं, साइन थीटा प्लस 5 अपॉन 2 इजिकल टू जीरो, और अब यहाँ पर देखिए क्या है कि साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2 है, इसको हमने क्या किया, कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए 1 बचेगा, इसको इधर ले जाओ, इसे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 3 साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2। अब कॉस थीटा माइनस 5 अपॉन 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये 10 बन गया और ये 1 अपॉन रूट 3 आ गया, रूट 3 नीचे आ गया, तो ये वैल्यू क्या बन गई, 10 थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। अब 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू होती है 10 30 डिग्री,
तो इसको लिख दिया 10π/6। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है आपके लेवल पे, तो ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या चीज़ निकलेगी, थीटा प्लस फाइव अपॉइंट टू कैसा होना चाहिए, जीरो के बराबर, क्योंकि साइन थीटा जीरो है, थीटा जीरो होना चाहिए। या यहाँ पर पाई बाई सिक्स के बराबर है, तो थीटा माइनस फाइव अपॉइंट टू इज इक्वल टू मस्ट बी पाई बाई सिक्स। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू आई माइनस फाइव, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आई, अभी हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे उसको। अब ये अगर वैल्यू है तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, थीटा इज इक्वल टू माइनस फाइव, तो शुरुआत वाली इक्वेशन में चले गए हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ये रिजल्ट था इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले रिजल्ट में हमने वैल्यू पुट कर दी, साइन थ्री थीटा की जगह पुट कर दिया थ्री, और थीटा की जगह माइनस फाइव, तो हो गया ये साइन माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाएगा इस हिसाब से, और दोनों कैंसिल होकर जीरो बन जाएंगे। क्या ये समझ में आई बात, अब्बास आप समझे? तो ये रिजल्ट आ गया पहले वाले से, जीरो है। दूसरे वाले से बात करते हैं, वन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू पाई बाई थ्री, इसको निकाल लो कोई थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पाई, तो ये वैल्यू थीटा माइनस फाइव अपॉन पाई बाई थ्री, और इसको थ्री से मल्टीप्लाई करके थ्री थीटा माइनस थ्री फाइव इक्वल टू पाई, या थ्री थीटा इक्वल टू पाई प्लस थ्री फाइव। अब इस इक्वेशन में फिर से थ्री थीटा की जगह क्या पुट कर दिया आपने, ये वैल्यू डाल दी पाई प्लस थ्री फाइव। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा बन गया देखो, और ये तो साइन थ्री फाइव लिखा ही हुआ था, दोनों कैंसिल हुए, फिर से रिजल्ट जीरो आ गया। इसका मतलब दोनों के लिए दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर दी, और इस तरह से प्रूविंग हो गई। तो ये एक अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, आपके यहाँ पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, कहीं कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए आप। थीटा की फाइव की वैल्यू कैसे निकालोगे फिर, इन दोनों को आप निकाल के रख दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, हाँ जो भी आनी है, अगर वो वैल्यू पता है आपको तो काम बन जाएगा, और नहीं पता तो फंस जाएंगे आप। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाए साइन 30-23 डिग्री आ जाए, तो अब वो हम नहीं जानते, हम कैसे उस पर कमेंट कर पाएंगे फिर, आप समझ पाए मेरी बात जी। तो ये इसमें कोई वैल्यू निकालने की समस्या नहीं है, निकल आया सीधे सीधे, नोट कर लो बेटा इसको। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में बड़े पूछे जाते हैं इसलिए करा रहे हैं। और इसमें एक ट्रिक जो कंपोनेंट डिविडेंडो के नाम पे लगती है, उससे क्वेश्चन झट से होता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, निकालते नहीं निकलेगा सवाल। तो एम साइन थीटा इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस टू अल्फा, देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूफ करना है। तो पहली वाली इक्वेशन से साइन थीटा प्लस टू अल्फा अपॉन साइन थीटा ले लिया, ये एम बाई एन बन गया। फिर कंपोनेंट डिविडेंडो इस्तेमाल किया, कंपोनेंट डिविडेंडो होता क्या है, अगर कोई दो इक्वलिटी है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ठीक, तो यहाँ पर जो हम ऊपर जोड़ते घटाते हैं इसी डिनोमिनेटर से, जैसे हम करना चाहें a प्लस बी और नीचे कर दें a माइनस बी, a में डिनोमिनेटर जोड़ा और a में डिनोमिनेटर घटाया, यही सेम चीज़ इधर c में डिनोमिनेटर जोड़ा और c में डिनोमिनेटर घटाया, तो ये रेशियो तब भी इक्वल रहते हैं। और इस तरीके को ये करने को हम बोलते हैं कंपोनेंट डिविडेंडो। ये रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, कई क्लासेस में क्लास टेंथ ICSE में पढ़ाई भी जाती है, नाइन्थ में ही शायद पढ़ा देते हैं, और कई जगह एट्थ ग्रेड में भी पढ़ा देते हैं। तो ये रेशियो की प्रॉपर्टी कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी मैथ्स में काफ़ी काम आती है ये देखने के लिए। जैसे अगर हम समझना चाहें तो वन अपॉन, या इसको लिख दीजिए फोर अपॉन टू इज इक्वल टू एट अपॉन फोर, चेक कर रहे हैं। अब हमने दोनों क्या है, दो दो के बराबर है। अब इसमें हम यही चीज़ लगा देंगे कंपोनेंट डिविडेंडो, तो चार में डिनोमिनेटर जोड़ा और चार में डिनोमिनेटर घटाया, आठ में डिनोमिनेटर जोड़ा और आठ में डिनोमिनेटर घटाया, यही चीज़ अप्लाई कर दी। ठीक है, अब ऊपर रिजल्ट आया छः अपॉन दो, और ऊपर इधर क्या आया बारह अपॉन चार, तीन। देखो अब भी बराबर वैलिडेट हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ये चीज़ बदलती नहीं है। फिर आप सोचेंगे इसको लगाने का फ़ायदा क्या है, इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि कभी कभी रेशियो के फॉर्म में चीज़ें दी रहती हैं और फॉर्मूले वगैरह एडिशन में लगाने में सहूलियत मिलती है, तो कंपोनेंट डिविडेंड लगा जी झट से इस तरह का फॉर्म आ जाता है। अब देखिए ये फॉर्म कुछ ऐसा ड्रामा कर रहा है, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये लगाने से बहुत जल्दी सवाल हो जाएगा। और देखिए लगा के दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर इसमें इस वाले में हमने कंपोनेंट डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, वही जो बात पड़ी है। तो साइन थीटा प्लस टू अल्फा में डिनोमिनेटर हमने जोड़ दिया, ये साइन थीटा,
और नीचे साइन थीटा प्लस 12 में डिनोमिनेटर घटा दिया, वही चीज़ इधर करनी होगी जो सीखी वहाँ। तो m में n ऐड कर देंगे और नीचे m में n घटा दिया आपने, बन गई बात। अब यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये आपने लगा दिया, वैल्यू बन गई 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। नीचे फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का, ये फॉर्मूला उसका लिखा हुआ है, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में इसको अप्लाई कर दिया 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 और कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इज इक्वल टू, वो तो वही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा सॉल्व किया तो थीटा थीटा मिलके 2 थीटा आ जाएंगे, तो ये दो से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, थीटा प्लस अल्फा बचेगा। यहाँ पर देखिए ये थीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कॉस अल्फा बचा। यही चीज़ यहाँ हो गई, थीटा से थीटा गया, 2 से 2 गया, साइन अल्फा बचा, और यहाँ 2 लेके ये बचा। अब इन दोनों की जोड़ी बना दो, साइन अपॉन कॉस तो आ गया टेन अल्फा थीटा प्लस अल्फा, और ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा बन गया कॉट अल्फा, और ये हमारा प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करना था, ये देखिए चार लाइन में क्यों हो पाया, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी। अगर ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो ये सवाल काफ़ी दूरी का सवाल है, क्योंकि फॉर्मूला लगाते ही नहीं बनेगा, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, लग ही नहीं पाए फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको कॉपी कीजिए, कौन सवाल करते हैं हम लोग। इफ एक्स इज इक्वल टू सेक फाइव माइनस टेन फाइव एंड वाई इज इक्वल टू कॉसेक फाइव प्लस कॉट फाइव, साथ में दिया हुआ देन शो दैट एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटा। तो इस वाली इक्वेशन से हमने क्या किया, यहाँ एक्स वाई चाहिए था तो सिंपली कुछ नहीं किया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कोई भी स्पेशलिटी नहीं है इस सवाल में। लेकिन ध्यान रखने वाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई होने वाले टर्म दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया जैसे आप करते हैं। करने के बाद यहाँ पर टेन फाइव इंटू कॉट फाइव वन होता है, माइनस वन आएगा इधर ले गए तो वन प्लस एक्स वाई लिख दिया, और ये सारा टर्म जैसे मल्टीप्लाई करके लिखा है बिल्कुल सिंपल, जैसे सेक फाइव इंटू कॉट फाइव है तो कॉट फाइव को लिख लीजिएगा कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव, तो कॉस कॉस कट जाएगा तो वन अपॉन साइन फाइव क्या आ जाएगा कॉस एक्स फाइव, समझ पा रहे हो। बस डाउट हो तो लिख के दिखाएं, इसी तरह इसकी कहानी यहाँ सेट हो जाएगी। या ये आ गई वैल्यू, इसको बोलती है क्वेश्चन नंबर वन फ्रॉम द गिवन इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन दी थी, अब हमें वन प्लस एक्स वाई मिल चुका है, एक्स माइनस वाई चाहिए तो एक्स में से वाई घटा दिया, एक्स में से वाई जब आपने घटाया तो जो सिंपली टर्म लिखे थे लिख दिया सेक फाइव माइनस टेन फाइव, ये देखिए ये एक्स है और ये आपका वाई है, घटा हमारा आपने, जब घटाया तो सिंपली कुछ नहीं किया, इसको चेंज कर दी, इसको टेन को चेंज कर दिया साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव, और कॉट या माइनस आ जाएगा तो कॉस फाइव अपॉन साइन फाइव, इन दोनों को थोड़ा सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव जो कि वन होता है, तो वन अपॉन साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, बाकी सारी बातें वहीं। अब यहाँ पर वन अपॉन साइन फाइव होता है कॉस एक फाइव, वन अपॉन कॉस फाइव होता है सेक फाइव, ये वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर टू। टू और वन को जोड़ दें तो हमें एलएचएस मिल जाता है, हमने वन टू को जोड़ दिया ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद पहले ये सिचुएशन लिखी सेक फाइव इंटू कॉस एक फाइव माइनस सेक फाइव प्लस कॉस एक फाइव, और दूसरी वाली जो थी सेक फाइव माइनस कॉस एक फाइव माइनस कॉसेक फाइव इंटू सेक फाइव, क्या देखा कि ये प्लस सेक फाइव वाला इससे कैंसिल हो गया, सेक फाइव वाला इससे, प्लस वाला माइनस से, और कट कुट आगे जीरो आ गया, यही प्रूव करना था, ठीक। तो इस तरह के एग्जाम में अगर सवाल आए तो धैर्य बना के प्रैक्टिस करते रहिए, धैर्य बना के करिएगा, उम्मीद हो जाएंगे, बाकी सीखते रहेंगे। कोई भी इसमें चीज़ आपको समझ में अगर नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।